हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। गाइस आज फ्रैंकलिन दादा लेने वाले हैं बुगाटी चिरोन गाइस, और आज फ्रैंकलिन दादा जाएंगे अपनी फेवरेट मस्टैंग में उस कार शोरूम के यहाँ जहाँ पे बुगाटी चिरोन हमने मंगा रखी है, और वो बुगाटी चिरोन की डिलीवरी हो गई है और वो बुगाटी चिरोन आ गई है गाइस शोरूम वालों के पास। सो उन्होंने हमें कॉल किया था और फ्रैंकलिन दादा रेडी है उस शोरूम के पास जाने के लिए। और गाइस आज फ्रैंकलिन दादा अपनी गर्लफ्रेंड तनिषा को भी लेके जाएंगे। सो अभी अपने घर से निकल गए हैं गाइस, और जल्दी से हम यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा लेते हैं और तनिषा को कॉल कर लेते हैं गाइस जल्दी से। सो गाइस अभी हम जल्दी से तनिषा को कॉल कर लेते हैं, उसका नंबर यहीं कहीं होगा गाइस। सो गाइस अभी तनिषा का नंबर हम ढूंढ रहे हैं। सो गाइस तनिषा का नंबर हमें मिल गया, जल्दी से हम तनिषा को कॉल कर लेते हैं। This is Tanisha Jackson. I guess I'm busy, so you know what to do. गाइस तनिषा बिजी है, हमारा कॉल उसने पिक नहीं किया, उसने एक वॉइस नोट छोड़ दिया। सो अभी हम ट्रेवर दादा को कॉल करके देखते हैं क्या वो फ्री है कि नहीं। अगर ट्रेवर दादा फ्री रहेंगे तो हम ट्रेवर दादा के साथ ही जाएंगे उस कार को लेने के लिए। See, it's me. You doing anything? Wanna hang out? Oh, hello, stranger. Yeah, don't worry about old Trevor. Yeah, just no, sure. Come by. Laugh at me. So guys, Trevor मान गए हमारे साथ जाने के लिए। सो अभी ट्रेवर दादा ने अपनी लाइव लोकेशन दे दी है हमें, और अभी हम जल्दी से ट्रेवर दादा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है ट्रेवर दादा। सो अभी हम जल्दी से ट्रेवर दादा के पास पहुंच जाएंगे और ट्रेवर दादा के साथ जाएंगे शोरूम के यहाँ पे, जहाँ पे हमारी कार आ गई है गाइज। गाइज फ्रैंकलिन दादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस कार को चलाने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन दादा बहुत अरसों से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जब ऑर्डर किया था बुगाटी चिरोन को, तो ऑर्डर करने के 3 मंथ्स बाद वो कार आई है गाइज। वो कार बहुत ही कम मैन्युफैक्चर होती है, सो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और वैसे भी बुगाटी चिरोन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है गाइज, वो 3 से 4 सेकंड के अंदर 300 to 400 की स्पीड टच कर लेती है। सो अभी हम ट्रेवल दादा के पास पहुंच गए गाइस। जल्दी से ट्रेवल दादा को अंदर बैठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। I'm a busy man. My time is valuable, and you're this late. So guys, यहाँ पे ट्रेवल दादा फ्रैंकलिन दादा को गालियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। सो यहाँ से हम जल्दी से निकल जाते हैं गाइस। सो मैं कह रहा था कि बुगाटी चिरोन बहुत ही एक्सपेंसिव कार है और बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कार है गाइस। सो अभी वो कार शोरूम वालों के पास आ गई है, और शोरूम वालों ने फ्रैंकलिन दादा को कॉल कर दिया था कि आपकी कार हमारे शोरूम में आ गई है, आप जल्दी से आ। सो गाइस अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे उस शोरूम के पास। सो गाइस वो शोरूम के पास हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ सेल पे लगी हुई है। सो अभी हम जल्दी से अपनी कार को यहाँ पे पार्क कर लेते हैं और जल्दी से जाके अपनी कार को देखते हैं। फ्रैंकलिन दादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस। सो ट्रेवर दादा हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे फॉर्च्यूनर है गाइस, सो आप देख सकते हैं कितनी ही बेहतरीन कार है ये, और यहाँ पे बड़ा सा टोयोटा का लोगो गाइस, और एक इंडियन फ्लैग के साथ है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। सो गाइस इसके इंटीरियर भी बहुत शानदार है गाइस, इसका बैक देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉर्च्यूनर का बैजिंग है और ये एक स्पोर्ट मॉडल है गाइस। ये किसी इंडियन ने यहाँ पे मंगाया होगा, सो किसी इंडियन का कार होगा गाइस, क्योंकि ऐसे यहाँ पे इंडियन कार जल्दी आती नहीं है लॉस सैंटोस में। सो गाइस यहाँ पे इस टोयोटा फॉर्च्यूनर को मंगाने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज लग गई होगी। सो अभी हम यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी राइड लेके देख लेते हैं गाइस। सो गाइस फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा पावरफुल कार है गाइस। सो अभी हम थोड़ा बहुत इसे चलाएंगे और जल्दी से इस कार को रख देते हैं गाइस। इसके इंटीरियर भी बहुत अच्छे हैं, और इसका आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, बहुत ही कूल लग रहा है यहाँ पे टोयोटा का लोगों के साथ। सो गाइस अभी हम इस कार को रेव करके देखते हैं, और गाइस बहुत ही लाउड इंजन है इसका, वाओ गाइस। फ्रैंकलिन दादा इसके दीवाने हो गए, फ्रैंकलिन दादा सोच रहे हैं कि ये कार भी ले ले। वैसे फ्रैंकलिन दादा की कार वहाँ पे लगी हुई है बुगाटी चिरोन। सो गाइस अभी हम फॉर्च्यूनर से उतर गए हैं और हम बुगाटी चिरोन के अंदर बैठ के देखेंगे गाइस। यही वो कार है जो फ्रैंकलिन दादा ने ऑर्डर की थी, और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल कार लगी हुई है। हम जल्दी से इस कार के अंदर बैठ के टेस्ट कर लेते हैं इस कार को। सो गाइस पीछे से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है गाड़ी, और डबल एग्जॉस्ट के साथ मिलती है हमें बुगाटी चिरोन। और गाइस अभी तक इसमें नंबर प्लेट तो नहीं लगाया, और यहाँ देख सकते हैं आप इंटीरियर। ट्रेवल दादा भी बहुत ज़्यादा खुश है इस कार को देख के।
और अभी हम रेफ करके देखते हैं इस कार को। सो गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट है ये गाड़ी, इसकी जितनी भी तारीफ कर लो कम है। और गाइस ये इलेक्ट्रिक मॉडल है इसलिए आवाज़ नहीं कर रही ज़्यादा। गाइस इसका इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है और आप अंदर से देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इंटीरियर है इसका और डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा है। सो गाइस अभी हम चिरोन से उतर गए हैं। वैसे फ्रैंकलिन दादा के पास थार तो है ही, 4x4 वाली ही है फ्रैंकलिन दादा के पास। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही शानदार थार लगी हुई है। फ्रैंकलिन दादा के पास एक ऑलरेडी थार है घर पे, सो फ्रैंकलिन दादा भी बस इसे देख रहे हैं। फ्रैंकलिन दादा के पास तो है ही इसलिए फ्रैंकलिन दादा इसे ले इसमें बैठना पसंद नहीं कर रहे। और यहाँ पे थार की बैजिंग है और महिंद्रा की महिंद्रा का बड़ा सा एक लोगो है और आप लोगों को दिखाने के लिए बैठ जाता हूँ मैं। और गाइस आप देख सकते हैं सेम इंटीरियर है गाइस जो इंडियन वेरिएंट में मिलता है और ये 4x4 वाली कार है। सो अभी हम इसे भी रेव करके देखते हैं। वाओ गाइस इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा लाउड है। सो अभी हम जल्दी से इस कार से निकल जाते हैं क्योंकि ये कार ऑलरेडी फ्रैंकलिन दादा के पास है। और गाइस यहाँ पे ये पुलिस की एक मस्टैंग कार है जो कि मॉडिफाइड है पुलिस लोगों के लिए, ये किसी पुलिस ने ऑर्डर कर रखा होगा गाइस इसलिए ये कार यहाँ पे रखी हुई है। वैसे भी फ्रैंकलिन दादा का पुलिस लोगों से बनती नहीं है। सो अभी हम लैम्बोर्गिनी जेंट्रो रखी हुई है अभी इसके अंदर भी बैठ के हम देख लेते हैं। और गाइस इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस गाड़ी को रेफ करके देखते हैं हम। गाइस बहुत ज़्यादा लाउड इंजन है इसका, हमारा सारा शीशा अप है तभी भी अंदर तक इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है गाइस। सो इसका इंजन का आप अंदाज़ा लगा ही सकते होगे। सो गाइस टर्निंग भी बहुत अच्छी है इस कार की और सीजर डोर से गाइस इसमें ऊपर की तरफ गेट खुलते हैं इसमें। सो अभी हम इस कार से जल्दी से निकल जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लैम्बोर्गिनी वाली बैजिंग, यहाँ पे आप लैम्बोर्गिनी की लोगो देख सकते हो और ये और इस कार का नाम है लैम्बोर्गिनी वेनेनो। गाइस पीछे आप बैजिंग देख सकते हो लैम्बोर्गिनी की। और गाइस बहुत ज़्यादा लाउड इंजन है इसका भी। वाओ गाइस सो हाउ यू लाइक एलएस। सो गाइस इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। और गाइस इसका इंटीरियर तो पूरा स्पोर्ट्स कार जैसा है गाइस, फ्रैंकलिन दादा को इस कार पे दिल आ गया गाइस। सो गाइस यहाँ पे एक BMW की बाइक भी लगी हुई है जो कि बहुत एक्सपेंसिव बाइक है, हम इस पे भी बैठ के देख ही लेते हैं, हमारे पास वैसे भी टाइम है आज तो। सो गाइस यहाँ पे एक नॉर्मल सी कार लगी हुई है जो कि लॉस सैंटोस में बिकते रहती है, हमारी ये कोई काम की नहीं है गाइस, वैसे भी ये गंदी हो रखी है, मुझे तो लगता है ये टेस्ट ड्राइव वाला मॉडल होगा गाइस। सो यहाँ पे BMW की बाइक देख सकते हो, बहुत ही बल्क गाड़ी है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मोटी है और गाइस बहुत बीस्ट लगती है जब फ्रैंकलिन दादा इस पे बैठते हैं। सो हेलमेट पहन लेते हैं गाइस, हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। सो गाइस अभी हम थोड़ा बहुत इसको टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं इस बाइक को, ये बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट होगी गाइस मेरे अंदाज से तो। हाँ गाइस ये बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट है। और गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन दादा व्हीली करते हुए, सो गाइस यहाँ पे रिवर्स ले रहे हैं अपने बाइक को और फ्रैंकलिन दादा टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। वाओ गाइस बहुत अच्छा व्हीली हो रहा है इस बाइक पे। सो अभी हम इस बाइक को पार्क कर देते हैं इसके अपने जगह पे और जल्दी से इस बाइक को रख देते हैं और जल्दी से हम चिरोन के पास जाएंगे और अपनी चिरोन लेंगे और अपने घर चले जाएंगे गाइस, क्योंकि फ्रैंकलिन दादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चिरोन को ड्राइव करने के लिए और मैं ड्राइविंग का। सो गाइस आप बाहर से देख सकते हो सभी कार को, सारी ही कार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ से। सो अभी हम जल्दी से चिरोन के अंदर बैठ जाते हैं गाइस और यहाँ से निकल लेते हैं और हमारी मस्टैंग जिस मस्टैंग से हम आए थे कंपनी वाले उसे हमारे घर पे डिलीवर कर देंगे। सो अभी हम यहाँ से इस कार को ले लेते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से गाइस और निकल लेते हैं शोरूम से। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट कार है क्योंकि इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और गाइस अभी हम इसकी स्पीड को टेस्ट करेंगे गाइस। वाओ गाइस 3 सेकंड के अंदर ही इसने 300 की स्पीड टच कर दी गाइस, आप देख सकते हैं। पहुंच गई वापस से ये गाइस और यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा गाइस। वैसे बुगाटी चिरोन सबकी फेवरेट कार है गाइस, बुगाटी चिरोन है ही सबकी फेवरेट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए गाड़ी। सो गाइस अभी हम इसे हाईवे पे ले जाएंगे और इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे गाइस। इस पे टोटल स्पीड 500 का है, सो हम देखते हैं क्या हम 500 को टच कर पाएंगे लॉस सैंटोस के हाईवेज पे।
सो गाइस ये ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छा कर लेती है गाड़ी। सो गाइस इसके बैक लाइट भी बहुत अच्छे हैं। इस गाड़ी की कितनी भी तारीफ कर लो वो कम है गाइस, कि आपकी भी बुगाटी चिरोन फेवरेट है गाइस। अगर आपकी भी फेवरेट बुगाटी चिरोन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो गाइस, और मेरे चैनल को भी जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। सो गाइस अभी हम हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ पे हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये गाड़ी 500 की स्पीड टच कर पाएगी लॉस सैंटोस के रास्तों पे। सो गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है बुगाटी की चिरोन। इसका टर्निंग भी बहुत अच्छा है गाइस, टर्निंग्स पे ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे भी ये स्पोर्ट लुक के साथ आती है, तो सो स्पोर्ट्स वाले काम तो इसे करना ही चाहिए गाइस। और गाइस यहाँ पे 500 की स्पीड इसने टच कर दी थी गाइस। सो गाइस हमने फ्यूल भरा दिया और यहाँ पे आप इसकी स्पीड को देख सकते हैं गाइस, कितनी ही ज़्यादा फास्ट चलती है ये। सो गाइस अभी हम अपने घर पहुंच गए हैं गाइस, और हम जल्दी से इस कार को लगा देते हैं अपने गैरेज के पास। और गाइस हमारी मस्टैंग यहां पे डिलीवर हो गई है, उन कंपनी वालों ने हमारे मस्टैंग को डिलीवर कर दिया। सो गाइस अभी हम जल्दी से घर में जाते हैं ट्रेवर दादा को लेके, थोड़ा बहुत आराम करेंगे फ्रैंकलिन दादा, और फ्रैंकलिन दादा बहुत ज़्यादा खुश है गाइस इस बुगाटी चिरोन को लेके। अगर आपकी कोई फेवरेट कार है और आप उसे देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं वो वाली कार को भी अपने वीडियोज़ में लाऊंगा गाइस। सो गाइस अभी हम चॉप से मिल लेते हैं, चॉप से भी मिले हमें बहुत टाइम हो गया। सो गाइस चॉप तो यहाँ पे नहीं है, मुझे लगता है चॉप को फ्रैंकलिन दादा का सर्वेंट वॉक पे लेके गया होगा गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन दादा की दोनों ही कलेक्शन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से भी नहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है बुगाटी की चिरोन। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और नीचे एक कमेंट कर दो अच्छा सा, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को गाइस।